हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल O8 से गल्प जो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर से एक नई रिक्वायरमेंट लेके आया हूं और ये रिक्वायरमेंट फ्री रिक्वायरमेंट है। जी हां दोस्तों, फ्री रिक्वायरमेंट है, आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। तो अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आपने कई बार हमें मैसेज करके बोला है कि सर फ्री रिक्वायरमेंट कब आएगा, तो वो फ्री रिक्वायरमेंट दोस्तों आज आ चुका है और उसमें क्या क्या ट्रेड है उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी न्यूज अपडेट लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों देखो, ये जो रिक्वायरमेंट आई है इजराइल कंट्री की रिक्वायरमेंट है और बढ़िया ऑफिस जो है टॉप जो ऑफिस है इंडिया की उसमें ये रिक्वायरमेंट आया है। और इसमें दोस्तों फ्री रिक्वायरमेंट है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें दोस्तों आपका इंटरव्यू फ्री होने वाला है, वीजा टिकट सब फ्री होने वाला है, तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ऑफिस भी बहुत अच्छी है दोस्तों, ये वो ऑफिस है जहाँ पे आपको किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता। और अच्छी ऑफिस है फिर भी आपको फ्री रिक्वायरमेंट इसराइल के लिए दे रही है। आप सोच सकते हैं कि जो इसराइल के लिए 4 से 5 लाख रुपए जो कैंडिडेट जाने वाले हैं वो पे करने के लिए तैयार है, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों, ये फ्री रिक्वायरमेंट है इजराइल कंट्री के लिए और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है इजराइल कंट्री का रिक्वायरमेंट है और इसका आपका 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों ये जो ऑफिस जो है मैन पावर ऑफिस है, मैन पावर ऑफिस के द्वारा जो ये फ्री रिक्वायरमेंट निकाली गई है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऐसा मान लो कि कंपनी जो है मेन पावर ऑफिस जो है उनको पैसे खुद दे रही है इजराइल यहाँ के जो इंडिया के कैंडिडेट हैं उनको बुलाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी जाना चाहते हैं फ्री में। कई कैंडिडेट दोस्तों इजराइल पहुँच भी चुके हैं लेकिन उनका 4 से 5 लाख रुपया चार्ज लग चुका है जो मेन पावर ऑफिस के द्वारा गए थे। और ये भी मेन पावर ऑफिस है लेकिन इसमें आपको फ्री रिक्वायरमेंट मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 4 से 5 लाख रुपया मेन पावर ऑफिस में सभी जगह लग रहा है, तो जो कैंडिडेट 4 से 5 लाख रुपया दे करके जा रहे हैं उसके बाद में उनकी सैलरी है जो सेम 1.5 लाख रुपये सैलरी वहां पे मिल रही है। लेकिन जो दोस्तों आज मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये दोस्तों फ्री रिक्वायरमेंट है लेकिन इसमें भी आपको सैलरी वही 1.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग है 8 घंटे की, और ओवर टाइम आप करने के बाद में कम से कम 2 लाख रुपये तक आप कमा सकते हो। तो आप खुद सोच के देखो दोस्तों कितनी अच्छी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। मेडिकल कंपनी का है, आपका रिक्वायरमेंट फ्री है, टिकट फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो फ्री में आप जा करके इसराइल कंट्री में 2 लाख रुपये पर मंथ कमा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पोजीशन की रिक्वायरमेंट है और कितने आवर की ड्यूटी रहने वाली है, क्या सैलरी रहेगी, खाना पीना रहना कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है, कौन सी ऑफिस के द्वारा ये रिक्वायरमेंट आया है और ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपको नंबर एड्रेस सब मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फ्री रिक्वायरमेंट में, इसमें दोस्तों 6G वेल्डर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो वेल्डर हैं 6G वाले उसमें CS और SS ये दोनों वेल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट है। 6G वेल्डर के लिए CS और SS वाले दोनों वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं और फ्री रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसका कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये जो वेल्डर हैं 6G वाले, 6G वेल्डर, इसमें CS वेल्डर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो SS वेल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है वो आर्बिटल जो वेल्डर हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट आया है, तो आर्बिटल जो वेल्डर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनको दोस्तों एक बेनिफिट और मिलेगा, वो मिलेगा कि आपको कंपनी के द्वारा जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो आर्बिटल जो वेल्डर हैं वो भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, तो इसका भी आपका फ्री रिक्वायरमेंट, आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये जो आर्बिटल वेल्डर हैं इनमें दोस्तों जिनको थोड़ा बहुत काम आता है तो कोई इशू नहीं है, आपको ट्रेनिंग जो है, जो ऑफिस का मैं अभी एड्रेस आपको और नाम बताऊंगा, उस ऑफिस में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ से आपको ट्रेनिंग के बाद में ही आगे इजराइल भेजा जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आर्बिटल वेल्डर हैं उनके लिए। दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो ऑफिस का आर्बिटल जो वेल्डर की रिक्वायरमेंट है उसमें दोस्तों ट्रेनिंग ऑफिस वाले खुद दे करके आपको भेज रहे हैं इजराइल कंट्री और फ्री में भेज रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ऑफिस होगी। ये सबसे अच्छी ऑफिस है अपने इंडिया में और इसके द्वारा दोस्तों बहुत सारे काम फ्री में ही किए जाते हैं, लगभग
इनको क्या कंपनी जो है वो पैसा देती है और ये जो कैंडिडेट जो होते हैं इनसे ये पैसा नहीं लेते हैं। तो यानी कंपनी इनको खुद पैसा दे करके लड़के जो एम्प्लॉई हैं वो हायर करते हैं और तो इसलिए ये फ्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा करके ये ऑफिस निकालती है। तो कितनी अच्छी ऑफिस होगी आप खुद सोच सकते हो। तो दोस्तों जितनी भी रिक्वायरमेंट मैं लेके आता हूँ ज़्यादा करके हमारी चैनल पे आपको फ्री रिक्वायरमेंट मिलती है और ये इजराइल कंट्री का भी मैं फ्री रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ वेल्डर के लिए। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि जो जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं जिनके पास से बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फ्री रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि आप फ्री में गल्फ जा करके या यूरोप कंट्री जा करके, जैसे अभी इजराइल कंट्री का फ्री रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया, तो आप इजराइल कंट्री जा करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। यहाँ से आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है आर्बिट्रेल जो वेल्डर उनको, और ट्रेनिंग देने के बाद में इजराइल कंट्री भेजा जाएगा तो आप 1.5 से 2 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। आप सोच के देखो आपका 1 रुपया नहीं लगा और आप जा करके वहाँ पर 2 लाख रुपये पर मंथ कमा करके जब घर पर भेजोगे तो आने वाले 5 साल में दोस्तों आप करोड़पति आराम से हो जाओगे। आपको भी पता है कि 5 साल में आप अगर 2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से भी कमाते हो तो आपका साल का 24 लाख रुपये 25 लाख रुपये होते हैं, 4 साल में दोस्तों आप करोड़पति बन जाते हो। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा करके फ्री रिक्वायरमेंट आप तक शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें दिया गया है 5 से 15 साल तक का एक्सपीरियंस है कैंडिडेट को होना चाहिए, यानी कि जो वेल्डर हैं उनको 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप कितना भी हो 10 साल 15 साल सभी आपका चलेगा। दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों इसमें आपका गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर गल्फ आप गए नहीं है फर्स्ट टाइम आप इजराइल कंट्री जा रहे हो, अगर आपका इंडिया में काम किया हुआ है 5 से 10 साल तक का भी एक्सपीरियंस है आपको, 5 से 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेकिन काम आना चाहिए, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, काम आना चाहिए। आर्बिट्रेल वेल्डर का तो चलो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दे करके आपको इंटरव्यू दिलाया जाएगा और जो 6G वेल्डर हैं CSSS वाले उनको दोस्तों काम आना चाहिए। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसके बारे में। और आप जहाँ पे दोस्तों काम कर चुके हो वहाँ पे आपका ऑफिस से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के और फिर आप इंटरव्यू में दिखाइएगा तो आपका ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जिस कंपनी में इंडिया में काम कर रहे हो वहाँ पे आपका 5 से 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा लें और सर्टिफिकेट बनवा करके ही आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं ताकि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इजराइल कंट्री में जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको काम आना जरूरी है, और आपको काम पूरा नहीं आया चलेगा लेकिन 50%, 40%, 60% आपको काम आना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो अगर आपको को 10-20% काम आता है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अब बात कर लेता हूँ मैं ऑफिस के बारे में। दोस्तों ऑफिस जो है आपको मैं बता देता हूँ, ऑफिस ये मुंबई की ऑफिस है और एशिया पावर जो ऑफिस है वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है। जी दोस्तों एशिया पावर, ध्यान से सुनना, एशिया पावर जो मुंबई की ऑफिस है वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आ रहा है और फ्री रिक्वायरमेंट आ रहा है तो आपका वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट उसी ऑफिस में आता है। और बाकी दोस्तों अदर जितने भी मेन पावर ऑफिस में सबके पास में पैसे लिए जा रहे हैं 4 से 5 लाख रुपये, बस यही एक ऑफिस है जो एशिया पावर वाला, यही ऑफिस है जहाँ पे आपको फ्री रिक्वायरमेंट मिल रहा है इजराइल कंट्री के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एशिया पावर का दोस्तों पूरा नाम आपको पता होगा, एशिया पावर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ये ऑफिस का पूरा नाम है और ये मुंबई और दिल्ली दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो मुंबई में जो कैंडिडेट हैं वो भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और जो दिल्ली में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छी रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जो ब्रांच है दोस्तों एशिया पावर की ब्रांच बहुत जगह है, आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बड़ौदा कई जगह इसकी ब्रांच है, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट जो दोस्तों चल रहा है वो मुंबई में चल रहा है। जो कैंडिडेट मुंबई में जाकर के एशिया पावर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं तो वो जा सकते हैं क्योंकि आपका अच्छा रिक्वायरमेंट है और फ्री रिक्वायरमेंट है, 4 से 5 लाख रुपये आपके बचने वाले हैं इस रिक्वायरमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एशिया पावर का जो ऑफिस है मुंबई में उसका मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। दोस्तों इसमें आपका एशिया पावर का जो ऑफिस का एड्रेस है वो गाला नंबर 12 बिजोला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर सियोन ट्रॉम्बे रोड चैम्बूर मुंबई 71, ये दोस्तों एशिया पावर ऑफिस का एड्रेस है, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको बता दिया और एक बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि आपका जो
इंटरव्यू है वो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा। आप चाहे जितने भी ऑफिस में चले जाएं, अच्छे अच्छे ऑफिस में सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद में ही फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। और डायरेक्ट आप क्लाइंट इंटरव्यू नहीं दे सकते अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल नहीं होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट नहीं करते हैं, पासपोर्ट और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसलिए पहले ऑफिस जा करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करवाइए, डॉक्यूमेंट का पासपोर्ट ले जाइए, सर्टिफिकेट ले जाइए, है ना, PCC है तो PCC भी ले जा करके शॉर्ट लिस्टिंग करवाइए, उसके बाद ही आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। तो किसी भी ऑफिस में चले जाएं दोस्तों, जितने भी अच्छी ऑफिस हैं सब में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद ही फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि फ्री रिक्वायरमेंट मैं लेके आते रहता हूं। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।